इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 30 असेंबली सेगमेंट से अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। सीमांचल से 13 उम्मीदवार होंगे। मैम से भी हमने बात किया, आपसे बताया कि अफ्रीमान साहब से बात किया, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, चाहते हैं तो वो बताएंगे कि हम तो चाहते हैं कि मिल करके हम लोग यहाँ करें, कुछ सीटों पर वो लड़ें, कुछ सीटों पर हम लड़ें। ऐसा है कि हम आज उनको कहें, कल हमको वो कहें कि भाई ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई तुझे कि नहीं। हम लोग तो यही सुनते आए शुरू से कि जब हमारे कैंडिडेट खड़े हुए तो वो बीजेपी वालों ने खड़ा किया होगा पैसा दे करके। जो बहुत ही जल्द अक्टूबर और नवंबर में जैसा कि बात आई है होने जा रहा है, इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 30 असेंबली सेगमेंट से अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। आउट ऑफ 243 243 में 30 असेंबली सेगमेंट से हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे। इसमें सीमांचल से 13 उम्मीदवार होंगे। अभी बहुत सारी दरख्वास्तें आ रही हैं तो अनाउंस करेंगे। अब ये तो ये उनकी बात है, हमने तो अपनी बात रख दी कि हम चाहते हैं, वो क्यों नहीं चाहते हैं तो ये वो बताएंगे, क्या उसका जवाब वो देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि मिल करके हम लोग यहाँ करें, कुछ सीटों पर वो लड़ें, कुछ सीटों पर हम लड़ें। लेकिन क्या यह हम चाह रही है? ये तो हमने तो कहा कि भाई आप आइए, हम आप बात करें। 2015 आपने बताया कि केरल में और दूसरे प्रदेशों में जो है कांग्रेस के साथ में आपका गठबंधन, क्यों नहीं गठबंधन करना चाह रहा? अब क्या लग रहा है? नहीं तो उनकी क्या पॉलिसी है ये, क्या पॉलिसी क्या? हाँ उनकी क्या पॉलिसी, हमारी पॉलिसी तो कि हम जो सेकुलर वोटों को बटने नहीं दें और सबसे मिलकर जो भी हैं। तो हमने बताया दिया कि भाई जब पप्पू यादव से हम गए मिलने के लिए, जब राजद के से गए, जब कांग्रेस के जाए, तो फिर जो है हम MIM से क्यों नहीं बात करेंगे? MIM से भी हमने बात किया, आपसे बताया कि अफ्रीमान साहब से बात किया, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, चाहते हैं तो वो बताएंगे। वो चाह रहा है वोट बिखराव हो और यहाँ। अब क्या चाहते हैं आपको क्या लग रहा है? आपसे नहीं गठबंधन करने हैं, मतलब हाँ। क्या लग रहा है? वो चाह रहा है दूसरे कोई किसी को मदद कर रहा है पीछे से, कांग्रेस बोल रही है भाजपा का मदद है, भाजपा का बी टीम है, क्या आपको लग रहा है? देखिए ये हम तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा है कि हम आज उनको कहें, कल हमको वो कहें कि भाई ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई तुझे कि नहीं। हम लोग तो यही सुनते आए शुरू से कि जब हमारे कैंडिडेट खड़े हुए तो वो बीजेपी वालों ने खड़ा किया होगा पैसा दे करके, क्यों करें, यही सुनते रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम ये बात नहीं कर सकते हैं, जबकि हम लोग जो है बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से मुस्तकिल काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जो है यहाँ ये अहमद साहब आए, यहाँ प्रोग्राम हुआ है आपके बहादुरगंज में, बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें सब लोग आए, अफ्रीमान साहब उस स्टेज पर आए और उन्होंने तकरीर किया, कहा आज भी तकरीर उनका हमारे